मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर माह में किया जाना है, जिसको लेकर के सरगुजा जिले में संभाग स्तरीय अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 11 नवंबर से किया जा रहा है, जहां 13 नवंबर को बैडमिंटन और साथ ही में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां शहर के गांधी स्टेडियम में बैडमिंटन की प्रतियोगिता की गई, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिभागियों ने अपना खेल प्रदर्शित किया। बैडमिंटन खेल में जीतने वाले विजेता चयनित होकर राज्य स्तरीय खेल के लिए राजधानी रायपुर रवाना होंगे। बैडमिंटन के सिंगल खेल में सूरजपुर से अखिलेश सिंह और डबल में प्रभात सिंह और विजय पेकरा सरगुजा से चयनित किए गए हैं, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने रायपुर जाएंगे। एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता पीजी कॉलेज में लगातार जारी है। सरगुजा संभाग के 6 जिलों से आए हुए पुलिस प्रतिभागियों ने संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में अपने खेल का जौहर प्रदर्शित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर में किया जाना है। इसी के तारतम्य में संभाग स्तरीय सरगुजा में अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन लगातार 11 नवंबर से जारी है। इसी के तहत आज दिनांक को बैडमिंटन और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। गांधी स्टेडियम में बैडमिंटन की प्रतियोगिता जारी है, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए जो प्रतिभागी हैं वो अपना खेल प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें जो विजेता हैं वो लोग यहाँ से चयनित होकर राज्य स्तरीय खेल के लिए रायपुर जाएंगे। इसमें जो सिंगल्स में अखिलेश सिंह सूरजपुर से और वहीं डबल्स में प्रभात सिंह और विजय पैकरा सरगुजा से चयनित हुए हैं, जो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए जाएंगे। और वहीं जो एथलेटिक्स की दौड़ जो प्रतियोगिताएँ हैं वो लगातार पीजी कॉलेज में जारी है। ये जो रेंज में जो प्रतियोगिता हो रही है, इसके लिए टीमें 6 जिलों से मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, इन सभी जिलों से आई हुई है।